नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग ई मार्जिन ऑर्डर क्या होता है और ई मार्जिन कैसे प्लेस किया जाता है ये ऑर्डर इन स्टेप्स सिक्योरिटीज एप्लीकेशन पर, ट्रेडिंग ऐप पर, हम लोग आज पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी ऑर्डर आप लोग को शायद पता है, डिलीवरी, इंट्राडे, मार्जिन, ई मार्जिन, तो इसमें से ई मार्जिन ऑर्डर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट का फीचर्स है जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ई मार्जिन क्या होता है, इसके लिए पहले कुछ समारी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पर जाके, स्टेप्स एप्लीकेशन पर जाके देखेंगे इसको कैसे प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर आप शायद देख रहे होंगे कि कुछ पॉइंट वाइज मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखा है कि ई मार्जिन होता क्या है। तो देखिए, ई मार्जिन है एक लोन लेना, मतलब आपको लिवरेज मिलता है कंपनी से, एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, आपको 3 गुना से ज़्यादा आपको लिवरेज मिलता है। मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ है तो आप एक्स्ट्रा और 2 लाख्स, मतलब 3 लाख्स क्वांटिटी का आप शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो आप 300 रुपीज़ तक आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ 100 पे करके। आप 3 लाख्स का क्वांटिटी का शेयर्स खरीद सकते हैं ओनली 1 लाख पे करके। ठीक है, इतना लेवरेज आपको कंपनी एचडीएफसी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लिखा है कि इंक्रीजेस योर बाइंग पावर बाय इंक्रीज मार्जिन अप टू 4 टाइम्स। ठीक है, देखिए, और इंक्रीज योर होल्डिंग पावर बाय T+275 ट्रेडिंग डेज, मतलब आप 275 डेज तक इसको आप होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, मार्जिन ऑर्डर को, ई मार्जिन ऑर्डर को। और इसका देखिए, इट एम्प्लीफाइज योर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम पैसा आपको देना पड़ेगा, 1/3, और बाकी पैसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज से आपको लिवरेज मिलेगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हो, इसके लिए आपका मुनाफा भी ज़्यादा, प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस है। इट ऑल्सो टेक एडवांटेजेस ऑफ वोलेटाइल मार्केट्स, मतलब आप बहुत टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हो, 275 डेज, और जब मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, वोलेटाइल सिचुएशन पर भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हो 275 डेज तक। ठीक, और आपके पास अगर पैसा है तो ई मार्जिन को आप कैश में भी बदल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 100 शेयर्स ख़रीदा है ई मार्जिन पर, बट आपके पास अभी पैसा है तो आपने 50 शेयर्स उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया, और बाकी आपके पास जब पैसा होगा तो आप रेस्ट बाकी भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप बाकी ई मार्जिन पर छोड़ सकते हो। ठीक है, और ई मार्जिन देखिए बोथ NSE एंड BSE में उपलब्ध है। ठीक है, और ये फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर्स FNO जो ऑप्शन है, FNO में ये ऑप्शन नहीं है, ओनली इक्विटी में है, बोथ NSE एंड BSE। ठीक है, और इसका जो चार्जेस है माई फ्रेंड, चार्जेस है इसका 18% पर एनम। ठीक है, 18% पर एनम होता है इसका चार्जेस, जो जिसके लिए आप लिवरेज ले रहे हो, चार्जेस ऑन लिवरेज टेकन, जो आता है 0.05% पर डे हिसाब से। ठीक है, 0.05% बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसको, इसका थोड़ा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 0.05% डेली बेसिस में, आप जितना दिन होल्ड करोगे। बट इसका जो पावरफुल जो फीचर्स है, ये इसको आप 275 डेज तक होल्ड कर सकते हो। इसका आपका बाइंग कैपेसिटी है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके 3 लाख तक आप स्टॉक खरीद सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी का, और आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा टूल है, ऑप्शंस है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने आपको दे रहा है 275 डेज का ऑप्शंस, जो आप इतना दिन होल्ड कर सकते हो, आपका प्रॉफिट जब मर्जी आएगा आप बेच के निकल सकते हो, कभी भी आप बेच सकते हो। आज ख़रीदे, आपको अगर आज प्रॉफिट मिल गया तो आज ही बेच दीजिए, ई मार्जिन पर लिए हुए स्टॉक्स।
या फिर आप एक महीना होल्ड कीजिए, दो महीना होल्ड कीजिए, तीन महीना होल्ड कीजिए, 275 डेज तक आप होल्ड कर सकते हो जब चाहे। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर्स है। अभी हम लोग सीधा एप्लीकेशन में जाते हैं, एप्लीकेशन में जाके देखते हैं कि कैसे इसको प्लेस किया जाता है। तो इमर्जिन देखिए, ये मेरा एप्लीकेशन का होम पेज है, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग ऑप्शन में जाऊँगा। ट्रेडिंग ऑप्शन में जाने के बाद मैं कुछ भी यहाँ पे एक स्टॉक्स का नाम डालूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल SBI, तो मैंने SBI सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं बाई सिलेक्ट करा, एक्सचेंज मैं यहाँ पे NSE सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइप है यहाँ पे मैं ई मार्जिन सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ई मार्जिन, तो मैंने यहाँ पे ई मार्जिन सिलेक्ट करा, यहाँ पे आप देख सकते हो ई मार्जिन सिलेक्ट करा, लिमिट, और मैं चाहता हूँ ये स्टॉक्स जब 350 लेवल में आएगा, इसका जो करेंट प्राइस है अभी 353 है, मैं चाहता हूँ जो 350 लेवल में आएगा मैं तो इसको बाई करूँगा, और कितना बाई करूँगा मैं 1000 क्वांटिटी बाई करूँगा। ठीक है, 1000 एट 350 लेवल पर। आप देख सकते हो अभी जाके मुझे देखना, आप देख सकते हो कि नो योर मार्जिन, कि कितना पैसा मुझे होल्डिंग करना पड़ेगा, कितना पैसा मुझे देना है। तो जैसे मैंने नो योर मार्जिन पर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि टोटल होल्ड रिक्वायर्ड 1,42,485 रुपीस। ठीक है, मार्जिन ब्रोकरेज सारा मिला के, मार्जिन ब्रोकरेज सारा मिला के। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो इसको सिर्फ आपको इतना ही पे करना है, जो इसका जो टोटल अगर आप देखोगे इसका प्राइस 1000 का क्वांटिटी का प्राइस मोर देन 350,000 का से भी ज़्यादा आ रहा है, बट आपको सिर्फ 150,000 की तरफ आपको देना है, 140,000। ठीक है, 142,000। ठीक है, बट इसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है ये मोर देन 353,000 आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि कितना कम आपको पेमेंट कर रहा है, करना पड़ेगा। और ये जो परसेंटेज होता है अप फ्रंट, जो होल्ड अमाउंट होता है कितना, 30% या 40% आपको इमर्जिन पर होल्ड करना होता है टोटल अमाउंट से, तो वो स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है, कौन सा स्टॉक्स पर। SBI में शायद 30% आपको होल्ड करना पड़ेगा, रिलायंस पर शायद आपको 35%, शायद बजाज फाइनेंस में शायद आपको 35%। ठीक है, आपको शायद अशोक लेलैंड में शायद आपको 30%, डिपेंड करता है स्टॉक्स वाइज। ठीक है, तो आप जैसे क्वांटिटी डालोगे, प्राइस डालोगे, आपको दिखाई देगा कि आपका कितना पैसा आपको होल्ड करना पड़ेगा बैंक में खरीदने के लिए। बट एक बात श्योर है कि आपको बहुत ही ज़्यादा 1/3 रुपीस आपको सिर्फ पे करना है, और बाकी पैसा HDFC आपको लिवरेज देगा, सो दैट आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने का चांसेस है। और आपको ये नहीं कि कल ही बेचना है कि आज ही बेचना है, आप ये 275 डेज तक इसको होल्ड करके रख सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। ठीक है, और इसका जो आपको जब लगेगा कि आपको प्रॉफिट मिल गया तो आप बेच के निकल जाइए, आपको अगर लगेगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ वो भी कर सकते हो पार्शियली या फिर फुल्ली, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करूँगा 275 डेज तक, कर सकते हो। ठीक है, तो बट आपको एवरी डे बेसिस 0.05% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप देख लिए कि ई मार्जिन होता क्या है। ई मार्जिन है आपका पूरा बाइंग पावर को ट्रिपल कर देता है, 3 times ज़्यादा कर देता है, और आप 275 डेज तक कोई भी स्टॉक्स होल्ड करके रख सकते हो ई मार्जिन पे। ठीक है, और आपका मुनाफा का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ई मार्जिन कैसे प्लेस किया जाता है HDFC सिक्योरिटीज में, ये भी वीडियो मैंने आपको सामने दिखाया पूरा डेमो, तो आप फिर आप कर सकते हो ई मार्जिन पर। आप जैसे फिर आप प्लेस बाय ऑर्डर करोगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने छोटा रखा आपके लिए टाइम के लिए, सो दैट आपको हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अगर छोटा सा भी आपको हेल्प रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।